हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप लोग। तो VIT 2022 का 2 जुलाई का सेकंड और थर्ड शिफ्ट का अपन एनालिसिस करने वाले हैं। इसके पहले यू विल फाइंड कि हम लोग जो है ये क्या बोलते हैं फर्स्ट शिफ्ट का अपन एनालिसिस कर चुके हैं, तो मेक श्योर एक बार तुम वॉच कर लेना, काफ़ी तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है ये। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो या इसके नोट्स देख रहे हो तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा? t.me/luckyjethani-itb, तो उसमें ज्वाइन कर लिया। डेफिनेटली हम लोग पेपर पूरा डिस्कशन करेंगे, तो एक बार ध्यान से देखना क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैसा मतलब आगे वाले शिफ्ट्स में तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, जो आने वाली थर्ड फोर्थ को है या आगे जितने भी हैं, तो उसमें तुम्हें काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये। तो जो भी पुराने अगर तुमने नहीं लेके देखे थे लेक्चर्स तो वो देख लो, है ना। निंजा की प्रॉपर तुम्हारा देखोगे, VIT की प्रॉपर प्लेलिस्ट है, उसको बढ़िया ढंग से देख लीजिए, काफ़ी तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है इस एंड टाइम में, है ना। डेफिनेटली लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। और निंजा का एक VIT का कोर्स होगा जिसमें कि तुम परचेस कर सकते हो, दैट कॉस्ट अराउंड 699, जिसमें 150 क्वेश्चन आ रहे होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड 110 तुम्हारे पास के, बाकी 2020। इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सअप की लिंक है ये, दैट इज़ फॉर द कि तुम जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजोगे तुम्हारे पास आ जाएगा। टेलीग्राम में तुम ज्वाइन कर सकते हो, ये सब जितने भी PDFs है वो तुम्हें मिल जाएंगे, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये, है ना, क्योंकि तुम्हें नोट्स वगैरह चाहिए होंगे। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट, कैसे कैसा पेपर आया था। आई केम टू नो कि पेपर थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट इस बार वो लेंदी आ गया था, अभी तक तो पेपर नहीं आ रहा था, बट सेकेंड शिफ्ट वाला कंपेरेटिवली थोड़ा सा लेंदी आ गया। वैसे में नहीं आ रहा था बाकी शिफ्ट्स में, बट इस बार मैथ्स वाला पार्ट थोड़ा सा लेंदी आया, जैसा कि बच्चों से थोड़ा सा फीडबैक से पता चला। बाकी यू विल फाइंड फिजिक्स केमिस्ट्री का बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वाला पार्ट का वेटेज थोड़ा ज़्यादा आ रहा है और फिजिक्स वाला पार्ट थोड़ा सा फॉर्मूले बेस्ड आ रहा है, एज़ यूजुअल जो तुम्हें बताया था। ये मैं तुम्हारे साथ सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाला हूँ, जो जो क्वेश्चंस होंगे एक बार तुम ध्यान से देख जाना, जो बच्चों के कमेंट्स आए हैं ये, है ना। आई होप कि थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आज मुझे रहा सैटरडे था, थोड़ा मैं इधर निकल गया था। तो यू विल फाइंड कि देखो क्या था कि सर 2 का इवनिंग शिफ्ट में आपने निंजा ट्रिक्स से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, कई सारे बोल रहे थे क्वेश्चन आए थे। एप्टीट्यूड वाले में पाई चार्ट आया, तो वो बताना चाह रहा है बच्चा, जो भी थे बहुत सारे मेरे पास आए थे, तो मैं तुम्हारे साथ आपको शेयर कर दूंगा ये, डोंट वरी, एंड तक देखना है वीडियो, है ना। एप्टीट्यूड वाले में बोल रहा है ये पाई चार्ट के क्वेश्चन आए थे ये, तो एप्टीट्यूड वाले में वो बोल रहा है पाई चार्ट के क्वेश्चन। पाई चार्ट वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैं शायद वीडियो देख लेना LR वाली, उसमें तुम्हें मिल जाएगा ये। केमिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी सारे थे ये, मैंने हमेशा कहा है कि केमिस्ट्री वाले पार्ट में ऑर्गेनिक वाले पार्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो पिछले बार में मैं डिस्कस किया था। मैथ्स में सर x टू दी पावर अल्फा वाली, देखो मैंने तुम्हें बताया था x की पावर अल्फा साइन 1/x वाली ट्रिक बताई थी, याद आ रहा होगा, अल्फा ग्रेटर देन 0 व्हेन इट इज़ ए कंटिन्यूअस, ये वाली, इससे क्वेश्चन आएगी। तो जो भी है सब देखो निंजा का कमाल हो रहा है, अल्फा ग्रेटर देन 1 डिफरेंशियबल, तो वो ऐसा एक सवाल आया था ये, ठीक है। तो ये चीज़ रही। दूसरा 3D के जो क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा कि सब जो निंजा में आपने बताया था, उसने लिखा है कि सर 3D के क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आए थे वो सब आपके निंजा टेक्निक से सॉल्व हो गया था। देख लो 3D के सारे निंजा टेक्निक से आ रहे हैं, निंजा रॉक्स अगेन, है ना, निंजा रॉक कर ही रहा है ये। हाँ कुछ में देखो एक जैसे शिफ्ट में मुझे पता चला थोड़ा लेंदी आ गया था, सारे क्वेश्चन नहीं आ सकते बच्चे, है ना, निंजा हमेशा रॉक नहीं कर सकता ही, है ना, कुछ चीज़ें होती हैं ये, बट डेफिनेटली तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब इसके बाद बोल रहा है कि हमारे पास फाइंड द स्पेक्ट्रा लाइन फॉर द क्वांटम नंबर 4 ये, है ना, तो ये सब तुम अपने एंड से ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर तो मैं बता देता हूँ मैं, ये फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा लाइन, ठीक है, ये तो मेरे लिए एक होमवर्क रहेगा, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा लाइन, होमवर्क नंबर 1 हो गया अपने पास, है ना, काफ़ी सारा आज होमवर्क आने वाला है। फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द क्वांटम नंबर 4, इसने इतना ही लिखा हुआ ये क्वांटम नंबर 4, तो ये ड्रॉ करना था। आई थिंक तुम्हारे पास वो ग्राफ्स है नहीं तो तुम देख नहीं सकते इस वाले पार्ट को, ना। फिर उसमें था कि एक सर्किल का था, मॉड जेड इज इक्वल टू 0, फिर जेड की वैल्यू थी 1W और वो भी शायद मिसिंग है, ये यही सब चीज़ें हैं, देखो W की पावर 0 आई थिंक वो मिसिंग वाला पार्ट है ये। एक क्वेश्चन था फिजिक्स का, डेफिनेटली ये तो मैं कहूँ अभी, ये तो तुम शायद आई थिंक होमवर्क में नहीं बता पाओगे, बट इसको अपन होमवर्क की तरह ले सकते हैं, ये होमवर्क नंबर 1 ले सकते हैं, है ना, इसको उसमें तो क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइन तुम्हें ड्रॉ करनी होगी। वन क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिक्स विल विच ऑफ द फॉलोइंग, फिजिक्स से काफ़ी सारे सवाल तुम्हारे साथ आज मिलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ध्यान से देखना, ये विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अ कॉन्स्टेंट when a light from a one median to the another medium, तो वन मीडियम से अगर another medium में जा रही किस में ये कॉन्स्टेंट रहेगा ये, ठीक है, काफ़ी NCERT सवाल बेस्ड आ रहा है ये, तो बनना चाहिए तुम्हें। पहला है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दूसरा आ रहा है तुम्हारे पास वेलोसिटी, तो दूसरा आ रहा है अपने पास वेलोसिटी,
तीसरा आ रहा अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, तीसरा आ रहा अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चौथा आ रहा अपने पास वेवलेंथ, समझ रहे हो। तो ये क्या करना है, कमेंट बॉक्स में भर देना है, है ना। ये तो पहला क्वेश्चन हुआ, अभी और पूरा सुनना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स द कांस्टेंट बट लाइट फ्रॉम अ वन मीडियम टू द अनदर रिमेन्स द कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ये, है ना। ठीक है, बाकी तो आई थिंक ये आया था एक वन केमिस्ट्री विच वॉज ए अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक क्वेश्चन कोई बोल रहा था कि अमीनो एसिड का आया था, अमीनो एसिड का आया था, उसमें पूछा था कि ऑप्टिकली इनएक्टिव करके था, उसने इतना लिखा है ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव करके क्वेश्चन था ये। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड वगैरह पूछा था, एक क्वेश्चन करके बिना हुआ था, सिग्मा बॉन्ड करके था ये। ठीक है, दूसरा और चीज़ें मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगा, फिजिक्स में एक एनर्जी बैंड गैप पे क्वेश्चन था, एनर्जी बैंड गैप, एटलीस्ट तुम्हें पता चल रहा है ना किस पार्ट से आ रहा है मेनली, वो तो हमने वैसे ही बताया है जैसे तुम्हें एक एनालिसिस भेजा था कि एनर्जी बैंड गैप से, और एक में ना कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट क्या करना था पता है, फिजिक्स का ये तुम कैलकुलेट करना ये। ठीक है, और आई थिंक इसको होमवर्क नंबर 1-2 ले सकते हैं ये। देखो इसमें था ना कि कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ, कैलकुलेट, एक्चुअली मैथ्स वाले क्वेश्चन ये ध्यान थोड़ा कम कर पा रहे हैं ये, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना ये, फिजिक्स केमिस्ट्री के लोगों को ध्यान रहते हैं ये, फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग, फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस, तो ये फोकल लेंथ निकालनी थी कन्वर्जिंग लेंथ की, हुज रेडियस ऑफ द कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो गिवन है वो 30 एंड द 40 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस निकालनी थी जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है कि 30 एंड द 40 सेंटीमीटर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें पता है जो कि है तुम्हारे पास 4/3, है ना। तो तुम्हें बतानी थी फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर 30 एंड द 40 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस, ये एक आई थिंक जो है रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू सोर्सेस इज 3/4, और उसमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी करके सवाल आया था। ठीक है, मैक्सिमम एंड द मिनिमम इंटेंसिटी पे भी एक सवाल था, वो बताना चाह रहा है मैक्सिमम एंड द मिनिमम इंटेंसिटी, जिसमें कि उसने बोला था कि दो सोर्सेस की एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड का जो है तुम्हें रेशियो गिवन था 3:4, और तुम्हें I1/I2 निकालना था, इसका फॉर्मूला आता होगा, है ना, कमेंट करके बताना इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, तो वो फॉर्मूले का यूज़ करके तुम्हें करना था ये। ठीक है, आई थिंक ये वाले पार्ट में था, बाकी आई थिंक 3 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेस एट द कॉर्नर फाइंड द सेंटर, ये आई थिंक ये आसान है ये वाले पार्ट में ये, और उसके बाद तुम देखना चाहोगे क्या आया था फिजिक्स का, हमने बताया तुम्हें ये, हाँ केमिस्ट्री वाले पार्ट का आप होमवर्क ले लेते अपन ये केमिस्ट्री वाले पार्ट में ये, विच ऑफ द फॉलोइंग सुनते जाना बढ़िया से, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये अपन रख लेते हैं इसको तीसरा वाला होमवर्क, ये तीसरा वाला होमवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन, तो कौन सा ऐसा जो है फॉलोइंग जो है डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन फॉलो करता है, एस कैलिजन, तो कैलिजन जो है कंडेंसेशन, तो कैलिजन कंडेंसेशन है, ठीक है, डायरेक्ट वाले सवाल है तुम देख पा रहे होगे ये, है ना, फिर आएगा कैनिजारो, है ना, तो एक कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद आता है अल्डोल कंडेंसेशन, क्या आता है अल्डोल कंडेंसेशन, तो दूसरा आता है अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, तो ये चौथा आएगा तुम्हारे पास वो आएगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन, गजब कर दिए बताओ, वुड्स फिटिंग रिएक्शन ये, ठीक है। अब उसके बाद बोला है कि मोलार कंडक्टिविटी ऑफ सम कॉन्स्टिट्यूट्स आर गिवन, और एसिटिक एसिड का कुछ हमें पता करना था, ये 7-8 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो 3D के आए थे लास्ट वाले में ये, ठीक है, और आई थिंक बाकी तो आई थिंक ये नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ द वाटर एंड द डायमीटर इज गिवन, तो फ्लक्स वगैरह का भी क्वेश्चन आया था, वॉल्यूम ऑफ द फ्लक्स हमें निकालना था, ये पार्ट था ये, और आई थिंक यही इतना हमें मिल रहा है ये, केमिस्ट्री का काफ़ी कुछ उन्हें ध्यान नहीं है, केमिस्ट्री बाद मोस्टली ऑर्गेनिक फिजिकल में केमिकल काइनेटिक्स जो तुम्हें बता रहा था मैं ये, टी हाफ वगैरह के भी क्वेश्चन थे, सॉलिड स्टेट इनऑर्गेनिक में ईजी आए थे,
मैथ्स में वेक्टर थ्योरी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, थोड़ा बहुत कॉनिक सेक्शन के सवाल थे जो कि हमारा हाइपरबोला से सवाल आ रहा है। फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एसी, न्यूक्लियर फिजिक्स जो जो हमने बताया, देखो वही बातें आ रही है। मैथमेटिक मेंटल एबिलिटी में ग्राफ के क्वेश्चन थे एंड सीरीज क्वेश्चन विच वे आर सिमिलर इन द निंजा, देख लो वो बच्चा खुद ही बता रहा है मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन। तो वही हमने बोला ना कि जो तुम मैंने करवाया वो वाला पार्ट तो देखो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ठीक है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री वाला तो पार्ट हमने बता दिया कहाँ कहाँ से, ताकि तुम्हें एटलीस्ट हेल्पफुल हो जाएगी। इंग्लिश केम फ्रॉम द निंजा, ले खत्म, इंग्लिश भी निंजा से आई है बोल रहा है ये। इंग्लिश केम फ्रॉम द निंजा, वन इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट शुड नो, वॉट इज स्टांजा, देख लो क्या बोलना चाह रहा, देखो समझ लो ये स्टांजा, समझ रहे हो ये वर्ड, सोनेट, ये सब निपटा लो इसको, ये कॉटियन, कल भी मैंने एक बताया था तुम्हें एक वर्ड है ना एमिलोरेट, तो वो वापस रिपीट किया था ये है ना। कैलेंडर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ये है ना, कैलेंडर वाले कि ये डेट ये है तो ये कब होगा है ना, जैसे ये क्वेश्चन था तो कैलेंडर वाले क्वेश्चन तुम एक बार ध्यान से देख लेना। अगर 28 फरवरी 2016 को मंडे है तो बाकी वो संडे मंडे पूछता है कि ये कब आएगा, मान लो 2020 को आ जाएगा तो क्या आएगा ये है ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखे जाते हैं ये। मेंटल एबिलिटी तो तुम्हें बता ही दिए, अब होमवर्क ले लेते हैं अपन, तीसरा हो गया ना चौथा होमवर्क, तो होमवर्क नंबर 4 आ गया ये। ग्लूकोज इस, ग्लूकोज क्या होता है ये, ग्लूकोज क्या होता है ये, ग्लूकोज ग्लूकोज होता है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है ये है ना, ग्लूकोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है या फिर पॉलीसेकेराइड्स है या फिर पॉलीसेकेराइड्स है या फिर अपने पास हो गया पॉलीहाइड्रोक्साइअल्डिहाइड है ना, पॉलीहाइड्रोक्साइअल्डिहाइड या फिर हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन है ना, तो इसमें से कोई एक सही आ रहा होगा ठीक है। ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताया ना ग्लूकोज में क्या आएगा ये, और वो ऑल वाले जो मैंने बताए थे, एक तो जो कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट दिए होते हैं, कंक्लूजन वाले एक दो क्वेश्चन तुम्हें बताए थे पिछले बार भी, ये वापस आ रहे हैं। ये स्टेटमेंट वन गिवन होगी, स्टेटमेंट टू गिवन होगी, क्या वो कंक्लूजन आ रहा है कि नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आ रहा है ये है ना। YDSC से कोई क्वेश्चन नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था, ऑर्गेनिक में अच्छा सा स्कोर करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी में इंडिपेंडेंट वाला कल मैंने क्वेश्चन कराया था, याद होगा कि कितने उसमें जो है हेड्स आ रहे हैं, तो वही वाला क्वेश्चन इंडिपेंडेंट वाला ठीक है। तो वो जो मैंने क्वेश्चन तुम्हें बताए थे ना कल वाला, तुम देखोगे एनालिसिस देखा था उसमें इंडिपेंडेंट वाला एक क्वेश्चन कराया था, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन आया है, और एक एनपी की और एनपीक्यू टाइप का भी एक आया है ना, बाइनोमियल टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था ये है ना। तो आई थिंक तुम इस पर देखने की कोशिश करो, ये ग्राफ के क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न फिलिंग के आ रहे हैं क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर हमने तुम्हें बताया देखो वैक्टर थ्री वाले, ये प्रोबेबिलिटी जो है ये नहीं गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल सेंटर पासस थ्रू अ 2x + 3y = 2, ऐसे करके लिखा हुआ था ये 2x + 3y = 2, तो वो ऑप्शन से करने थे, इस नहीं उसने दिया हुआ ये ठीक है। हाँ एक इंटीग्रेशन का सवाल आ चुका है, 0 से लेके π x (sin x) / 1 + cos²(x) dx, ये खत्म कर देते हैं अभी, देखो इसको आई ले लो, ये किंग लगाए, ये थोड़ा सा एक बेटर सवाल है, किंग लगाना है तो किंग लगाए, जीवन में किंग की जरूरत है इसको, किंग वेयर इज योर किंग, a + b - x खत्म 1 + cos²(x) है ना, क्योंकि sin π - x ना sec sin x ही होता है, cos π - x - cos x होता है, स्क्वायर लगाए उड़ जाएगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, वो x उड़ने के लिए बना है जीवन उसका ये। 2y = आ गया 0 से लेके π, और भाई साहब यहाँ पे आ चुका है π sin x / 1 + cos²(x) खत्म। i = क्या आ जाएगा, बहुत बढ़िया, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π, फिर ये आ चुका है sin x / 1 + cos²(x) dx आ चुका है। ये एक प्रॉपर्टी तुमने देखी होगी 0 से लेके 2a f(x) dx वाली, अगर वो f(2a - x) आ जाता है तो ये डबल हो जाती है, सुने हो ये, हाँ सर सुने थे, बस गजब वाली यही वाली प्रॉपर्टी निपटा दी है ये, डबल उसका निकालोगे देखो ऐसे आ जाएगा i, फिर ये आ गया 0 से लेके π/2 sin x / 1 + cos²(x) dx खत्म। इसको टी मानो, ऊपर वाला बंदा उड़ता हुआ, ये देखो ये था अपने पास पाई 0 से लेके π/2 sin x / dx / 1 + cos²(x) खत्म। सर ऐसे खत्म तो फिर हो गया ना अपना काम, cos xt - sin x dx will be dt के बराबर ठीक है।
अब वो cos पाई बाई टू में जीरो आ जाएगा, वहाँ पे लिमिट्स चेंज होंगी ना, तो ये जीरो आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वन, उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस जी टी अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर, खत्म, ये आ जाएगा माइनस पाई और यहाँ पे आ जाएगा टैन इनवर्स ऑफ टी, ठीक है, और इसको क्या रखना है जीरो से लेके वन तक, ये तो वन आ जाएगा ना, cos जीरो वन हो जाता है, तो ये वन आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद तुम क्या करोगे माइनस पाई, ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाएगा टैन इनवर्स जीरो जीरो हो जाता है, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाई फोर, खत्म कर दिया कि नहीं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई स्क्वायर बाई फोर के बराबर, गजब 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 सर, ये देख रहे एक बेटर सवाल मिलते हुए, आई थिंक तुम्हें ये एनसीईआरटी का भी सवाल है, ये बस किंग लगाना था और ऐड कर देना था और डबल वाली प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ पे प्रॉपर्टी होगा जीवन ही नहीं भी लगाओगे जैसे cos x को टी लोगे तब भी तुम्हारा आ जाता है, ये तो हमने दिख गया तो इसलिए प्रॉपर्टी लगा दी है ना, देखने वाली बात है जिसको दिख जाए पहले ही, तो जीरो से लेके पाई बाई टू sin x dx अपॉन वन प्लस cos स्क्वायर x, cos x को टी मान लो माइनस sin x dx आया, वन प्लस टी स्क्वायर आ चुका है, tan इनवर्स टी होता है, फिर जीरो और वन रखे, खत्म कर दी जीवन। दूसरा बताओ किंग, एक आया था अपने पास cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स ऑफ वन बाई रूट फाइव इज इक्वल टू वहां पे लिखा था पाई बाई टू, अरे यार ये कैसा सवाल हो गया, अरे ये तो खत्म वाला सवाल है, कॉस इनवर्स एक्स तो यहाँ पे तो आ जाएगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ वन बाई रूट फाइव, तो ये तो एक्स की वैल्यू यहाँ से वन अपॉन रूट फाइव आ जा रही है, खत्म, क्योंकि पाई बाई टू माइनस दिस तो ये कॉस इनवर्स ऑफ रूट फाइव, इतना खत्म सवाल कैसे आ गया ये, है ना, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ अलग होना चाहिए, अब बच्चे ने ऐसे ही लिखा था तो मैंने वो लिख दिया है, ठीक है, देखते हैं आगे हो सकता है अगर कुछ और होगा तो पाई बाई फोर लिखा होगा बाई चांस या पाई बाई थ्री, तो कॉस इनवर्स में बना के उसको फिर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। कई तो बोल रहे हैं सर हम भूल जा रहे हैं ये, ठीक है, अब ये सवाल तुम यार ये ट्राई जरूर करना, ये होमवर्क की तरह ले लेते हैं, क्योंकि तुम एप्टीट्यूड वाला सवाल ये कर लो ये, क्योंकि ये जरूर आता है ये, है ना, मेक श्योर ऐसे सवाल जरूर कर लो, फिर यार फिर बोलोगे सर आपने बताया नहीं था ये, 1 अप्रैल 2007 में तुम पैदा हुए बाई चांस, वैसे तो नहीं हो गए, तो संडे था 2007 में जो था संडे था, तो बताना है 1 जून 2011 में क्या होने वाला है, 2011 को वॉस है ना, वॉस सर हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा ना बर्थडे होता ना कुछ होता ही है ना, ऐसा तुम सोच रहे होगे, ऐसा कुछ नहीं बताना, तुम्हें बताना है व्हाट इज द डे, याद रखना टाइम पास का, हम ये होमवर्क याद रखना ये, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग से सवाल थे ये, है ना, डिफरेंशियल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से सवाल था ये, ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोसाइल अल्डिहाइड से ये, है ना, जो जो सवाल मिलते जा रहे हैं आज काफ़ी सारे एक्चुअली सवाल आए थे ना, इतने सारी चीज़ें आ गई थी ना तो समझ में नहीं आ रहा था चीज़ें क्या है ये। फिलिंग गैस विच गैस, ठीक है, एरोमेटिक से 3 क्वेश्चन थे बोलना चाह रहा है ये, एरोमेटिक वाले से 3 क्वेश्चन ये, तो एरोमेटिक वाले से 3 क्वेश्चन फ्रॉम द एरोमेटिक ये, और 4 क्वेश्चन फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन से बच्चे सवाल आ रहे हैं, हमने पहले ही बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सवाल आ रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सब बताया हुआ है कि कोऑर्डिनेशन है कंपाउंड टफ है इजी, ये सब सारी चीज़ें, और न्यूक्लियर रिएक्टर से ये, ठीक है, एलपीपी से भी 2 सवाल थे ये, और सर निंजा से पाई चार्ट से 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग कैलेंडर क्लॉक से स्टेटमेंट से आए थे ये, जो सब मैंने बता रहा हूं ना वही सवाल आ रहे हैं, ये वही सब सवाल आ रहे हैं, कभी कभी बिल्कुल सेम, तो बच्चा ना ऐसा सोच रहा है कि बिल्कुल जैसे सर ने बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली आ जाए, वो एक आध सवाल आएंगे, सारे नहीं आ सकते ना बच्चे, ये किस्मत की बात है ये, है ना। अब इसमें ना केमिस्ट्री में आया ये फिजिकल और ऑर्गेनिक, टॉलीन 2-ब्रोमो-4-नाइट्रो का कन्वर्जन था ये, टॉलीन 2-ब्रोमो-4-नाइट्रो बेंजोइक एसिड ये, है ना, ऐसे करके कुछ सवाल दिया हुआ था, आगे ही डोंट नो कि क्या था ये, है ना, ऑर्गेनिक पूरी भरी भरी पड़ी हुई थी ये, है ना, और उसके बाद जो आया था, हाँ मैथमेटिक्स में 3D क्वेश्चन थे, एक सवाल था डेफिनेट इंटीग्रेशन का, एक साइन एक्स अपॉन दिस, और एक का डिफरेंशिएशन निकालना था, काफ़ी एक सवाल है, एक्स इक्वल टू 2AT का स्क्वायर अपॉन 1+T का स्क्वायर ये, और वाई इज इक्वल टू था ये 2AT का क्यूब अपॉन 1+T का क्यूब ये, है ना, 1+T का स्क्वायर ये, आई थिंक इसमें मिसिंग है ये, एक सेकेंड, ये सवाल थोड़ा सा आया था हमारे पास, एक्स इक्वल टू करके था, हाँ एक क्वेश्चन NCR से भी था, मतलब बाइनोमियल से ये वाली प्रॉपर्टी बेस भी था, NCR प्लस NCR माइनस वन इज N+1 CR, ये सवाल भी आ चुका है इससे, सवाल बाइनोमियल से एक डायरेक्ट सवाल था,
प्रोबेबिलिटी से था, कोनिक से था, हाइपरबोला से था, डिफरेंशियल इक्वेशन से बोर्ड लेवल सवाल थे बोलना चाह रही है, एरिया अंडर द कर्व था, है ना, एक फिजिक्स केमिस्ट्री का तो मैंने बता ही दिया किस टाइप का सवाल आ रहा है। फिर उसके बाद एक कोडिंग वाला था, दिल्ली का अगर कोड गिवन है ये DLHI जिसका कोडिंग डिकोडिंग से एक सवाल था 34261, मैंने पूछा था मुंबई का कोडिंग डिकोडिंग की क्वेश्चन करवाए थे कि नहीं, है ना, डी का 3 लिखा हुआ है मतलब एक कम चल रहा है ना, ई का फिर तुम्हारा 4 दिया हुआ है और एल का तुम देखो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, एच का तुम्हारे पास 6 दिया हुआ है, आई का 1 दिया हुआ है, तो मुंबई का तुम्हें यहाँ से कोड करके लेके आना है। हमने कोडिंग डिकोडिंग के कई सारे सवाल कराए हैं तो तुम एक बार देखना उसी टाइप का सवाल है ये। वन कैलेंडर क्वेश्चन, वो मई वाला तो क्वेश्चन आ ही रहा है, 1 मई को इतना है तो फिर ये संडे है तो अप्रैल क्या आ गई, वन क्वेश्चन फ्रॉम द सिग्मा बॉन्ड, बस उसने लिखा है वन क्वेश्चन फ्रॉम द सिग्मा बॉन्ड। एटलीस्ट तुम ध्यान रखो कहाँ कहाँ से सवाल आ रहा है एटलीस्ट, है ना, जिससे तुम्हें ध्यान रहेगा ना कि ये हमें करना है। YD80 से स्ट्रेस टू द स्ट्रेन का रेशियो था, पाई चार्ट से 2 क्वेश्चन थे ये, ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें चीज़ें क्लियर हो रही होंगी ये किस तरीके से आ रहा है ये। दूसरा था हमारे पास 0 से लेके पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 एल एन 2, है ना, इसका भी सवाल आया हुआ है माइनस पाई बाई 2 एल एन 2, ये सवाल आया हुआ है माइनस पाई बाई 2 एल एन 2, इसमें किंग लगा के सॉल्व किया जाता है ये 0 से लेके पाई बाई 2 एल एन साइन एक्स, है ना, एनसीईआरटी में तुमने किया होगा तो वो एक सवाल आया है ये। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से एक सवाल आया हुआ है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ये, और PYQ डायरेक्ट, हाँ एक फिजिक्स का सवाल है जो कि तुम नोट डाउन कर सकते हो, फिजिक्स का एक सवाल, और इसको भी एक होमवर्क की तरह लो, काफ़ी आसान सवाल है, ये भी नहीं कि कोई टफ सवाल है ये, आई थिंक ये फिफ्थ वाला अपन होमवर्क रख लेते हैं, फिफ्थ वाला एक काफ़ी आसान सवाल है। पर्सन, एक इंसान है अपने पास, एक अ पर्सन हैज लिफ्ट, एक पर्सन हैज लिफ्ट अ सूटकेस, अ पर्सन हैज लिफ्ट अ सूटकेस टू अ हाइट ऑफ, कितनी हाइट के, हाइट उसकी गिवन है कितनी, हाइट ऑफ द 5 मीटर एंड ड्रॉप्ड, पर्सन हैज लिफ्ट मतलब वो हैज लिफ्ट अ सूटकेस टू अ हाइट ऑफ, हैज ड्रॉप्ड, फिर उसके बाद उसने क्या किया, ड्रॉप किया, जो सूटकेस का जो मास है वो गिवन है, जो मास है सूटकेस का वो है 25 किलो का, बताओ 25 किलो का वो जो है सूटकेस पकड़ा हुआ है, लग रहा है बहुत सारा सामान वामान भरा है। देन हमें बतानी थी कि स्पीड क्या होगी, देन हमें बतानी है व्हाट इज़ द स्पीड जिससे वो फॉल करेगा ये, है ना, व्हाट इज़ द स्पीड जिसमें ये फॉल करेगा, मास तुम्हें गिवन है, हाइट तुम्हें गिवन है, बस अभी क्या निकालना होगा, मास निकालना होगा ये, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम तुम लगाओगे इसमें, है ना, तो आई थिंक कि इसमें जो है मास का तो कोई रोल आएगा नहीं वेलोसिटी में, हाइट का ही रोल आएगा, हिंट तो हमें बता देते हैं, वी इक्वल टू अंडर रूट करके एक फॉर्मूला लगता है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, तो वो लगा कर दोगे, बताओ आप सर, सब तो बता दिया, अब ये बता दिया अच्छी बात है तुम्हारे लिए बच्चे, है ना, तो आई थिंक काफ़ी कुछ तुम चीज़ें सीख रहे हो, ये जो जो मिलते जा रहे बच्चे, इतनी सारी चीज़ें थी ना तो बनाना मेरे लिए भी बहुत टफ टास्क हो जाता है, ये समझ ही रहे हो सब तुम। इंग्लिश में रीमिंग स्कीम आई थी एक, है ना, ई नॉट से था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई नॉट से सेल से भी आया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ई नॉट सेल से आया है, उसने पूरा कुछ बताया नहीं है ये ई रिडक्शन से ये, ठीक है। हाँ एक सवाल ये जो था ए साइन इनवर्स एक्स प्लस बी कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी, ये हमें गिवन था, तो अब हमें निकालना था ए साइन इनवर्स एक्स माइनस बी कॉस इनवर्स एक्स, ये सवाल हमें निकालना था। ये इसको कैसे ऑपरेट करोगे पता है, कॉस इनवर्स एक्स को रखना कैसे, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ सॉल्व करोगे, देख रहे हो गजब कर दिए बताओ ये, तो यहाँ से ना साइन इनवर्स एक्स निकाल सकते हो, कैसे आ जाएगा देखो, यहाँ पे तुम रखोगे तो ये आ जाएगा सी माइनस पाई बाई 2 इंटू बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, कच से यार सर इतना तेज यार होता भाई साहब, इसको बस यहाँ पे रख देना है, ये भाई साहब को रख देना है ये, अरे यार क्या बताएं, जीवन जो है तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये समझ में आ रहा है, ये b माइनस पाई बाई 2 इंटू साइन वर्स एक्स, यहाँ से साइन वर्स एक्स निकाल सकते हो ये, तो ये साइन वर्स एक्स आ गया। अब तुम्हें अगर मान लो कॉस इनवर्स एक्स निकालना तो कैसे करोगे, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, गजब कर दिए बताओ ये तो गजब काम कर दिए ना, तो a माइनस बी के बराबर, ठीक है, बस अब आई थिंक आंसर आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करोगे तो आ जाएगा a इंटू पाई बाई 2 माइनस सी अपॉन a माइनस बी, आ गया साइन वर्स एक्स आ गया, कॉस इनवर्स एक्स आ गया, चपकाना कहाँ पे, इसका जीवन यहाँ पे, इसका जीवन यहाँ पे, कच्च से आंसर, ये समझ रहे हो बात को, समझ रहे हैं अपन ये, है ना, आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं आ रही हैं,
और भाई साहब तुम ये सब सवाल जरूर करना है, जितने भी तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ये जो जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही तुम्हें करना है। अपने हिसाब से करोगे तो फंसोगे, है ना, तुम्हारे लिए इतना सारा चीज़ें हो रही हैं। ये सब कहाँ से आता है क्वेश्चन, बच्चे देते हैं, बताओ, बच्चे तुम्हारे लिए हेल्प कर रहे हैं, जैसे तुम भी करोगे, ये तुम्हारा पेपर होगा तो ये, ठीक है। थ्री क्वेश्चन फ्रॉम द वेक्टर्स एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, अरे यार वही 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 सवाल तुम रहे हो, एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन ये। अब उसके बाद जो है एक क्वेश्चन होमवर्क की तरह ले लेते हैं, छठा क्वेश्चन। बाबरे सर कितने क्वेश्चन दोगे, छठा क्वेश्चन हो चुका है होमवर्क के। नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा एक रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो रही है ना बच्चे, अच्छा अच्छा प्रैक्टिस हो रही है हमारी, नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट बताओ कौन सा होता है, ग्लूकोज, फिर होता है फ्रुक्टोज, फिर आता है अपने पास सेलोस, उसके बाद आता है माल्टोस। अरे सर गजब कर दिए, बताओ यार इससे सोचो यार ये, है ना। तो आई थिंक ये तुम्हारा पार्ट है। दूसरा तुम्हारे पास आया है कि कंपनी अम्बरी करके कुछ क्वेश्चन आया था एलआर में, कंपनी सी थी, कंपनी बी थी, कंपनी अम्बरियाँ बहुत सारी बन रही है, तो कंपनी बी की 2008 में इनकम वगैरह उसकी पता रही कि 200 करीब है, कंपनी ए की जो इनकम थी 2009 में जो थी वो 240 है, तो तुमसे पूछा रहा कितना परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, तो 40 बटे करके सॉल्व करना था, ऐसे करके एक ग्राफ में क्वेश्चन आया था, इतना बताया था उसने। फिजिक्स में एक वेलोसिटी विस्कोसिटी से क्वेश्चन था, ये आरएमएस वैल्यू भी फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आया था ये, है ना, आरएमएस से सवाल था और विस्कोसिटी से ये। सर बहुत कुछ सवाल है यार, इतना बताओ, इतनी मेहनत करनी पड़ती है ये, तो कैसे करेगा काम बताओ, ये नहीं करोगे मेहनत तो कैसे काम चलेगा, क्या करना चाहते हो फिर ये। आई थिंक इतना पार्ट बताया है, कोई भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए ना, बस मैं एक बार रिवाइंड बैक कर लेता हूँ। एसी से 2-3 सवाल थे, बाइंडिंग एनर्जी, क्वांटम नंबर, लॉजिक गेट से एक सवाल आ ही रहा है हर बार, लॉजिक गेट का बना हुआ, ठीक है। मॉडर्न से किसी में आ रहा है, किसी में पूरा भर के आ जा रहा है ये, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड से सवाल था, मैग्नेटिज्म तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। वेक्टर थ्री डी से मैं बता रहा हूँ, वेक्टर थ्री डी ढंग से करके जाओ, 4 से 5 सवाल आ रहा है वेक्टर इन थ्री डी वाले इस पार्ट से ये, ठीक है। 3 से 4 सवाल, 5 सवाल भर भर के आ रहे हैं ये, एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, एंगल बिटवीन द लाइंस, बढ़िया तरीके से पढ़ लो यार, जो हमने बताया था वही वही सवाल आ रहे हैं ये, वही सब नहीं, थोड़ा सा चेंज करके डिफरेंशियल इक्वेशन बढ़िया से करो, प्रोबेबिलिटी करो, एलपीपी का एक सवाल आ रहा है, एलपीपी का भी क्वेश्चन कराया हुआ ये, उसको तुम करो ये, है ना। और क्या चाहिए यार, ये पैराग्राफ से सवाल आ रहा है, इंग्लिश में तुम्हें बता ही दिया मेरे क्या था ये, जितने बच्चों को याद आ रहे हैं वो थे, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें मैंने आई थिंक ये, ठीक है, थ्री सेंटर्स बॉन्ड कनेक्टेड टू अ थ्री एलिमेंट ऑफ दिस, ये आई थिंक इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस में थोड़ा सा मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है ना ये, है ना। मिनिमाइज करके था एक क्वेश्चन था अपने पास, टू बसेस डिफरेंट सीट, भूल चुका है वो सवाल, ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर, ये करके था, और बॉन्ड डस नॉट चेंज विद अ मीडियम, तो ये हमने बताया था, है ना, सवाल में एक क्वेश्चन कराया था ना मैं फ्रीक्वेंसी करके, एक क्वेश्चन दिया था फ्रीक्वेंसी वाला, वेलोसिटी वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, वेवलेंथ वाला, ये तुम्हारा लिए सवाल है ये। और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू था, एक मिनट, विच ऑफ, एक एनसीईआरटी सवाल था जो कि तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन के अंडर बता रहा है ये, कि डी वाई बाई डी एक्स वो लिखा था 3a की a इंटू ई की पावर 3x प्लस b इंटू ई की पावर x, ये बताओ इसको सॉल्व करना है ख़त्म कर दिया नहीं, इसको कौन सॉल्व करेगा बताओ यार, ये सवाल था क्या, ये इतना इजी सवाल आता है क्या ये, अपॉन वन ये, तो y इज इक्वल टू था a इंटू ई की पावर 3x प्लस b इंटू ई की पावर x, ये सवाल आ जा रहा है। अब वो y dy बाई dx उस टाइप का कुछ बना होगा ये, है ना, वो एग्जैक्टली उसे ध्यान नहीं है ये, फिजिक्स में LR सर्किट से आ ही रहा है ये। और कंडेंसेशन वाला एक क्वेश्चन दिए थे, डायोडाइज़ाइन, रीमर टीमर से भी एक सवाल आ रहा है, रीमर टीमर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-bromo-4-nitrogen पाई चार्ट से कोडिंग डिकोडिंग से सवाल दे, डेट वाला हमने तुम्हें सवाल करा दिया ये, ठीक है। और जो भी सवाल आएंगे तो मैं तुम्हें शेयर जरूर कर दूंगा ये। और वन क्वेश्चन फ्रॉम द बुलेट एंड द लाइन, तो नंबर ऑफ बुलेट्स टू फायर अ लाइन, उसकी मास और वेलोसिटी वगैरह गिवन थी, उस टाइप का एक सवाल आया था ये, ठीक है। वेक्टर एंड थ्री डी से काफ़ी सवाल वही वही चीज़ें ये, अब भी तुम भी सुन सुन के वही वही चीज़ें हो चुकी हैं ये, तो काफ़ी कुछ तुम्हें अब समझ में आ चुका है ये। बाइनोमियल से एक्सपांशन था, ए पी से ए बी सी और बी माइनस ए माइनस सी दिया था, ए बी सी का रेशियो वगैरह कुछ बताना था उस टाइप से। ए पी जी पी से एक सवाल आ ही रहा है ये, ए पी जी पी वाले पार्ट से, मैं देख रहा हूँ उस वाले पार्ट से आ रहा है ये। और एम जी जे सी ओ टू, अरे सर पक गया,
ठीक है, आई थिंक तुम डन है, जो भी पार्ट था मैंने तुम्हें सारा कुछ बता दिया। मैं बस ये सोच रहा हूँ कुछ लेफ्ट तो नहीं है, जितना मैक्सिमम बच्चे हम कलेक्ट कर सकते रहे, जो तुम्हें बता सकते रहे, आई डन विथ। डेट वाला पार्ट अच्छे से कर लेना, ठीक है, और वो जैसे आता है ना कि मान लो दो दिन पहले ये था तो दो दिन बाद क्या होगा, उस टाइप के क्वेश्चन पिछले बार मैंने कराए थे, वो भी एक सवाल जो है देखा जा रहा है। ये जो जो सवाल आ रहे हैं ना वही टाइप के आ रहे हैं, तो तुम्हें तो सोचो मिल जा रहा है ये। बताओ सर, ये इतना मैं तेज़ हो जा रहा हूँ, हमें पहले ही मिल जा रही है ना। एओडी से भी एक सवाल था, जैसे बच्चे ने बताया कि एओडी से भी एक सवाल था ये। फ्लक्स जो है गिवन था, कैलकुलेट था अपने पास, फ्लक्स इज़ गिवन, एक सवाल था, फ्लक्स इज़ गिवन विथ टाइम है ना, विथ टाइम एज फाई, तो फाई की वैल्यू गिवन थी हमें, जो कि गिवन थी 3t² - 5t + c करके गिवन था ये, ठीक है। और रेसिस्टेंस जो हमें गिवन था वो 2 ओम का गिवन था ये रेसिस्टेंस। फिर हमें निकालना था करंट क्या आएगी, करंट निकालनी थी, ये निकाल लोगे आई थिंक। ये सवाल हो गया, इसको भी होमवर्क की तरह तुम ले लेना। आई थिंक अपन ने छठे क्वेश्चन किए थे, सातवां क्वेश्चन ले लो, ये भी एक होमवर्क के ले लो तो, है ना। फॉर्मूला होता है इसका डायरेक्ट, हम नहीं बताएंगे तुम्हें। और आई थिंक विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कॉन्स्टेंट वेव वाला बता दिए थे, वेव ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वही वाला आंसर बता दें इसका। चलो आंसर ही बता देंगे, तुम्हारा आंसर जो आएगा उसका फ्रीक्वेंसी वाला आएगा, ठीक है ना। कुछ कुछ चीज़ें थी हैं, और एक आया था FX W1 W1 आर द फोर रूट्स विच कान बी फॉर्म, ठीक है ये रहने तो, ये नहीं था ये। आई थिंक काफ़ी कुछ तुम्हारे साथ शेयर कर दिया बच्चे, जो भी चीज़ें थी हमारे साथ, जो जो मैं मिल पाई, काफ़ी मुश्किल होता है बच्चे कलेक्ट करना, समझ रहे हो, और वो तो तुम भी समझ रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक बच्चा जैसे लिखा है सर मैं पेपर दिया है सर बट याद नहीं है कुछ भी हमें, ये कोई बात नहीं हो जाता है कभी कभी। आई होप कि तुम्हारे साथ जो भी क्वेश्चन थे हमने शेयर करने की कोशिश किए हैं, है ना। बाकी जो सवाल आते काफ़ी कुछ वेक्टर थ्योरी के सवाल थे, वो डायरेक्टली आता तो बच्चे को बताने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। आई होप कि तुम एक बार जरूर देख लेना, जो तुम्हारे लिए एनालिसिस है ये काफ़ी कुछ तुम्हारे लिए काम आ सकती है। एक्चुअली जो फर्स्ट वाला सेकंड वाला पेपर देता ना तो उसको उतना नहीं पता चलता, बट तुम्हारे तक आते आते क्या है ना कि वो लेवल बढ़ा देते हैं। अब तुम देखो पेपर का लेवल इसलिए बढ़ते जा रहा है क्योंकि वो बहुत तेज हो चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है कि जो लकी सर हैं वो सारा डिस्कस कर दे रहे हैं, इसलिए लेवल बढ़ा दे रहे हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि उन्हें पता चल गया ना कि तुम पेपर जान जा रहे हो। ये तो ये भी एक कॉम्पिटेटिव है, जैसे जेई में भी होता है ना, सब डिस्कशन कर देते हैं, पहले डिस्कशन नहीं होता रहा, डिस्कशन हो जा रहा है, तुम्हें पता चल रहा है। एक ही मात्र चैनल है जो तुम्हारा पूरा सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ को लेके, है ना। तो मेक श्योर जो चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी होमवर्क थे उसको बढ़िया से डन कर देना। ये कुछ डाउट आएगा तो डेफिनेटली मैं रिप्लाई कर दूंगा, आंसर तो मुझे पता है, बट एक बार तुम कर लेना कमेंट्स, और डेफिनेटली जो है अपने तरफ से सॉल्व करोगे तो बेस्ट रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री खास करके, मैथ्स के जो भी पार्ट है, एलआर के पार्ट है, वो तो मैं सारा डिस्कस करता ही हूँ। तो चलिए, अब कोई कोर्स लेना चाह रहा होगा इंजा बीआईटी बीएससी का, तो 699 का कोर्स आ रहा होगा, 150 क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से ये तुम्हें मिल रहे होंगे, फिर मचाएंगे। और फिर अब बिटसैट पे लग जाए बढ़िया, कल तुम्हारे पास बिटसैट के बहुत सारे 2-3 वीडियोस मैं ट्राई करूंगा कि देने के लिए, ताकि अपन परसों जो है जो आएगा उसमें बिटसैट के प्रॉपर लाइव डिस्कशन कर रहे होंगे। चलिए अपन, टिल डेट ऑल द बेस्ट टू द एवरी वन।